हमारा जो मिशन है जिसके बारे में बता रहा था, एग्रीकल्चर मिशन ऑफ DMPL, जहर मुक्त खेती। ठीक है, जहर मुक्त खेती क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है। हम खा तो रहे हैं, जो चीज बहुत सारे चीज खा रहे हैं, लेकिन वो जो खा रहे हैं उसमें ना प्रोटीन ढंग से है, ना विटामिन ढंग से है, ना मिनरल ढंग से है, ना फैट है, ना वसा है, कोई भी चीजों का अच्छा सा उसमें मात्रा नहीं है। पहले जमाने में जब एप्पल आता था, सेब आता था, तो उसमें सेब में आयरन पाया जाता है। पहले जमाने में जब आयरन एक सेब खाते थे तो एक कहावत बना था, इन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, एक दिन में एक सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। लेकिन आज समस्या बहुत खतरनाक गंभीर हो चुकी है। आप कितना भी 4 ठो भी सेब खाओगे तब भी आपको क्या करना है DMPL में, कैसे करना है DMPL में, और कैसे आने वाले समय में जो भी टारगेट टारगेट जो भी लॉन्च हुआ होगा सिस्टम के द्वारा, ठीक है, या सीनियर के द्वारा, जिसके भी द्वारा जो भी टारगेट लॉन्च होगा या ऑफर लॉन्च होगा, उस ऑफर को, उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, उसी के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सिंसियर होकर डायरी और पेन लेकर जरूर बैठे, डायरी पेन मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है डायरी पेन लेकर बैठना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू DMPL फैमिली, आप सभी का DMPL परिवार में हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। और साथ ही साथ हमारा सिस्टम, ठीक है, KTH सिस्टम, यहाँ पर भी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये दो जगह है जहां पर आपको बहुत सिंसियरली, बहुत सिंसियरिटी के साथ काम करना है। इन्हीं दो जगहों पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। DMPL मतलब ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ड्रिकी का मतलब होता है ड्रीम और की, सपनों की चाबी। तो जितने सपने आपने देखे हैं वो सब सारे के सारे सपने पूरे होने वाले हैं, सारे के सारे सपने पूरे होने वाले हैं। क्यों पूरे होने वाले हैं भैया, क्योंकि DMPL है तो सब आसान है। जी हाँ, DMPL है तो आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। DMPL सपनों की चाबी आपको मिल चुकी है, जितने सपने आज तक आपने देखे होंगे। जी हाँ, जितने सपने आपने देखे होंगे, देख रहे होंगे, आने वाले समय में देखेंगे, सारे सपने पूरे होने वाले हैं। और हाल ही में 150 से ज्यादा लोगों का एक ऐसा शानदार ड्रीम पूरा हुआ जो हर किसी इंडियन का, हर किसी भारतीय का एक सपना होता है कि यार एक बार जिंदगी मनाली जरूर जाना चाहिए, धरती का स्वर्ग। और वहां जाने के बाद जो DMPL के पार्टनर ने जो एडवेंचर किया वो बहुत ही कम लोग किए होंगे। मनाली में ऐसा एडवेंचर, वहां बहुत ही शानदार अमेजिंग एडवेंचर वहां पर हुआ, लोगों को बहुत मजा आया। और वैसा ही एडवेंचर, वैसा ही एक और शानदार आप सबके लिए भी लॉन्च होने वाला है टूर। तो बेसब्री से हम लोग को भी इंतजार है, और बेसब्री से आज के बाद सबको इंतजार रहेगा कि कब आ रहा है फिर से नेक्स्ट अगेन। ठीक है, तो हमारा प्लेटफॉर्म है DMPL, ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद सिस्टम, KTS सिस्टम। तो KTS सिस्टम मतलब की टू सक्सेस, ये सिस्टम का नाम है। और एक ऐसा सिस्टम जहां पर आज 1000 से ज्यादा लोग हैं जो महीने के लाख रुपए इनकम कर चुके हैं, 1000 से बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जहां इस सिस्टम में। ऐसे ऐसे लोग हैं यार जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा किस तरीके के लोग इस सिस्टम में पैसा कमा रहे हैं, किस तरीके के लोगों की जिंदगी इस सिस्टम ने बदली है। तो ऐसे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो आपके लिए बधाई हो, आपको बधाई हो। क्यों बधाई हो, क्योंकि आप भी यहाँ वैसा ही सफलता हासिल कर सकते हैं जैसे कम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, कर चुके हैं। ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी सिस्टम में सफल हैं, बहुत अच्छे तरीके से सफल हैं, तो आपको भी बधाई। अगर आप बहुत पढ़े लिखे होंगे तो आपको भी बधाई। ऐसे लोग जो मीडियम पढ़ाई लिखाई किए हैं, मतलब ज्यादा भी नहीं पढ़े हैं और कम भी नहीं पढ़े हैं, वैसे लोग भी सक्सेस हैं, तो अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको बधाई। ऐसे लोग जो हाउस वाइफ हैं, घर में रहकर घर के काम को करते करते यहाँ पर सफल हो रहे हैं, ऐसे हाउसवाइफ जिनके बच्चे हैं, बच्चों को देख रेख करते हुए सफल हो रहे हैं। अगर आपका भी कंडीशन ऐसा कुछ है, आपके भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बहुत सारा काम रहता है, हाउसवाइफ हो, तो आपको बधाई हो। क्यों, क्योंकि हमारे इस सिस्टम में बहुत सारे हाउसवाइफ सक्सेस हो चुके हैं। ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, जी हाँ, जॉब करते करते यहाँ पर बहुत सारे लोग सफल हो चुके हैं। तो आप अगर जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो आपको बधाई हो। क्यों, क्योंकि आप भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सफल हो चुके हैं। ऐसे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट,
जी हाँ, ऐसे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हाई एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन, ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं वैसे लोग भी सफल हो चुके हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बधाई हो आपको, क्यों? क्योंकि आप भी सफल होंगे, क्योंकि आपके जैसे लोग सफल हो चुके हैं। ऐसे लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो दुकानदारी करते हैं, जो अपना बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम में समय निकालकर सफल हो चुके हैं, तो आपको भी बधाई हो, क्योंकि आप भी सफल होने वाले हैं, क्योंकि आपके जैसे लोग इस सिस्टम में बहुत शानदार तरीके से सफल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। जी हाँ दोस्तों, डीएमपीएल है तो सब आसान है। आप भी सफल हो सकते हैं कि आप, क्योंकि आप भी इसी सिस्टम के हिस्से हो। आपको भी मिला हुआ है शानदार बेहतरीन सा सिस्टम जिसका नाम है केटीएस, जिसका पूरा बोलबाला इंडिया में मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पूरे इंडिया में इसका बोलबाला मचा हुआ है और आप उसी सिस्टम के हिस्से बन चुके हो। तो आपको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, क्योंकि आप बन चुके हो इस शानदार सिस्टम के हिस्सा जिसका नाम है केटीएस। जी हाँ, आगे चलें। काम को करने का 10, आप क्या करना है, सिस्टम में आ गए हो तो आपका एकदम सिंपल सा काम है जो आज आपको सीखना है और करना है। आज के आज इस काम को करना है। काम को करने का कारण, क्यों कर रहे हो इस डीएमपीएल में काम, क्यों आप केटीएस सिस्टम का हिस्सा बने हो, आखिर आपने डीएमपीएल ज्वाइन किया क्यों है, ये आपको लिखना है। कम से कम 10 कारण लिखना है। 10 कारण इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कारण इसलिए लिखने बोला जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है बिना कारण के ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप भी बिना कारण के ज्वाइन किए होंगे तो आज के आज अपने आप को कारण दीजिए। जी हाँ, अपने आप को कारण दीजिए। बिना कारण के लोग ज्वाइन कर लेते हैं कि यार चलो क्या पता कुछ हो जाए, करके देख लेते हैं, वाकई कुछ पैसा आ जाए। खोने का तो कुछ नहीं है ना, 3,000 दिए हैं, वो भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसका भी प्रोडक्ट मिल गया, इन्वेस्टमेंट जीरो, रिस्क भी कुछ नहीं, इसलिए लोग एकदम टेंशन फ्री होकर करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मानेंगे, अगर आप देखेंगे और अगर आप गहराई के साथ समझेंगे इस इंडस्ट्री को, देख सकते हैं इतने सारे लोगों की जिंदगी जबरदस्त तरीके से बदला हुआ है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा अपने आप ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, सिस्टम के ऊपर और सीनियर के ऊपर, कि यार इतने सारे लोग जिंदगी बदली तो मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलेगी। बस विश्वास की कमी होती है, और उसी विश्वास की कमी के कारण, उसी डाउट के कारण हम कारण नहीं लिख पाते। क्या चलता है लिखने के टाइम, अगर होगा कि नहीं होगा यार। और कई सारे लोगों को तो मैं ऐसे लोगों को देखा हूं जिनको पता ही नहीं क्या करना है जिंदगी में। तो यही सबसे बड़ा सीख है इस सिस्टम का दोस्तों। आप आगे चल के इस सिस्टम में, इस प्लेटफॉर्म में रहेंगे या ना रहेंगे, नहीं रहेंगे, डजेंट मैटर, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि सिस्टम से आप सीख जाएं कि आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ मकसद लेकर चलना है। तो 10 कारण लिखिए, कम से कम 10 कारण, और आज के आज लिखिएगा, वो कारण आपके ही, आपका ही काम आएगा, चाहे आप इस इंडस्ट्री में रहो या ना रहो, आगे कहीं भी रहो, अपने जिंदगी में आपको पता रहेगा कि मुझे क्या करना है। यही सिखाता है ये सिस्टम, मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता भैया हमारा सिस्टम, हमारा सिस्टम सिखाता है लोगों को जिंदगी जीने का तरीका, जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है कि किस तरीके से आपको जिंदगी जीना है। तो कम से कम अपना मकसद डिसाइड करिए यार, कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। ठीक है, आगे चलें। ध्यान रहे, आपका कारण इतना मजबूत होना चाहिए कि जब आपको कोई चैलेंज आए, ठीक है, चाहे इस प्लेटफॉर्म में, चाहे जिंदगी के किसी भी मोड़ में अगर चैलेंज आए, तो आपका कारण इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए, जब भी आप अपने कारण को याद करो आप तुरंत चार्ज हो जाएं, आपके अंदर तुरंत एक्साइटमेंट आ जाए, ऐसा कारण होना चाहिए। ठीक है, पेन लेना है, पेन लेना कोई कारण नहीं है। ठीक है, अगर पेन लेना है तो भाई अभी जाकर आप 50-100 रुपए का पेन ले सकते हो। ठीक है, ऐसा मजबूत कारण बनाना है, ऐसा मजबूत कारण बनाना है यार। बरसात में जब हम निकलते हैं ना, तो बारिश में हमारा काम डिस्टर्ब हो जाता है, घर वाले कहीं जाना जाना नहीं कर पाते, मैं कहीं आना जाना नहीं कर पाता। ठीक है, कहीं जाना है घर से निकल कर, तो बहुत ज्यादा धूप होता है, तो धूप में अपन अपने को निकलने में दिक्कत होता है। बहुत ज्यादा ठंड होता है, तो ठंड में निकलने में दिक्कत होता है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है दोस्तों, जब हम कोई बाइक में जाते हैं और हमारा परिवार बहुत है, 4 लोग अगर एक बाइक में बैठते हैं तो कंजस्टेड होता है, एडजस्ट करके बैठना पड़ता है, और इधर उधर पूरे बॉडी में दर्द होना चालू हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरत है हमको, कार 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 जरूरी है। ठीक है, अभी तक अगर आप बेकार हैं, मतलब क्या, अगर आपके पास कार नहीं है, तो अभी कभी आप 10 कारण में से एक कारण जरूर बनाइए कि मुझे कार लेना है, क्योंकि डीएमपीएल महज 15 महीनों में लगभग 100 लोगों ने अपने सपनों का कार ले लिया है। ठीक है, तो आप भी कार ले सकते हैं, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। ऐसा आपको मजबूत कारण बनाना है और सोचना है, जब आपके पास चैलेंज आएगा तो आपको सोचना है यार, जिस दिन मेरा वो कार आएगा तो मैं कार में घूमूंगा, तो लोग देखेंगे मेरी सारी दिक्कतें जो मैं झेल रहा था, ठंड, बरसात, गर्मी,
ये सारी दिक्कतें झेल रहा था, कंजस्टेड होकर बाइक में घूम रहे थे, परिवार को कहीं लाना ले जाना बहुत दिक्कत हो रहा था, वो सारी दिक्कतें खत्म होने वाली है। और जब भी ये चैलेंज आया तो उस कारण को याद करिएगा, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ने वाला है। तो ऐसा 10 कारण आपको डिसाइड करना है जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आए, ठीक है। अगर एक कारण, अगर आपके पास कोई कर्जा है, जिस कर्जे से आप लदे हुए, जिस कर्जे के कारण दिन भर टेंशन में रहते हो, तकलीफ में रहते हो, जिन चिंतित रहते हो, ठीक है, एकदम चिंता में डूबे हुआ, तो उस कर्जे को जरूर लिखिएगा कि इस कर्जे को मुझे इतने दिन में खत्म कर देना है। और जिस दिन आपके पास चैलेंज आएगा तो जरूर उसको याद करना कि यार अगर मैं नहीं कमाऊंगा, नहीं करूंगा, अच्छे से ध्यान नहीं दूंगा तो वो कर्जा छुटाएगा कौन, और कर्जा नहीं छुटाऊंगा तो जिंदगी भर उसी तकलीफ में जीना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कारण लिखना है, 10 कारण, जिससे आप याद करें तो आपके अंदर चैलेंज आए, आपके पास कोई चैलेंज आए तो आप फिर से एकदम मोटिवेट हो जाए, चार्ज हो जाए, ऐसा 10 कारण लिखना है, ठीक है। आगे चलें, और क्या करना है, लिस्ट बनाना है, कम से कम 200 लोगों की नामों की सूची तैयार करनी है, और कैसे लोगों की, जिनको बेहतर स्वास्थ्य और पैसे की जरूरत हो, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करना है। एकदम आसान है यार, अगर आप पट्टी बांध देंगे आंख में ना, और रोड में निकल जाइए, मेन रोड में, हाईवे रोड में, या किसी बाजार मार्केट में चले जाइए और आंख बंद कर लीजिए, पट्टी बांध लीजिए आंख पे, किसी न किसी व्यक्ति से आप टकरा जाओगे, आंख बंद करने के बाद भी आप व्यक्ति से टकरा जाओगे, इतने लोग भरे पड़े हमारे देश में। और अगर आप 200 लोगों को नहीं जानते, जी हाँ, अगर आप 200 लोगों को नहीं जानते तो आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में, और हम 200 लोगों को नहीं जानते, कितना चिंता का विषय है, ठीक है, चिंता का नहीं, ये चिंतन का विषय है, ठीक है। चिंतन करिए कि हम 200 लोगों को नहीं जानते, यार इससे बड़ी गरीबी क्या हो सकती है कि हम लोगों को नहीं जानते, लोगों के देश में रहकर, सबसे ज्यादा जनसंख्या है अभी भारत का, और ऐसे जानदार जबरदस्त देश में रहकर हम 200 लोगों को नहीं जानते हैं, तो हमारे लिए बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ा दिक्कत है। और अगर आप इस इंडस्ट्री में आ गए हो, डीएमपीएल में आ गए हो, और अगर आप 3 लोगों को नहीं ज्वाइन करा पा रहे हो, 3 लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, 3 लोग आपकी बात नहीं मान रहे, आपका पहला पेमेंट अभी तक नहीं बना है या जल्दी नहीं बनेगा, तो समझ जाना कि आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि जब आदमी मरता है ना, जब आदमी इस दुनिया से जाता है, जिसके अंदर जान ही नहीं रहता, वो आदमी के लिए 4 व्यक्ति का व्यवस्था हो जाता है, 4 लोगों की जुगाड़ हो जाता है उस मुर्दा व्यक्ति के लिए, और हम तो जिंदा है। अगर 3 लोग नहीं मिल रहे ना, तो समझ जाना जिंदा है कि क्या है, ठीक है। और नहीं मिल रहे हैं, नहीं मान रहे, तो अपने ऊपर काम करिए, ये दोष सिस्टम का नहीं है, ये दोष प्लेटफॉर्म का नहीं है, ये दोष इंडस्ट्री का नहीं है, ठीक है, ये दोष अपलाइन का नहीं है, ये दोष आपका है, आपके अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है भैया। तब 3 लोग बात नहीं सुन रहे हैं, सोच को देखो, वही सिस्टम, वही प्लेटफॉर्म, वही कंपनी, वही एमडी, वही प्रोडक्ट, सब कुछ तो वही है। इतने सारे लोग सफल हो गए, कार ले लिए, घर बना लिए, लाखों की इनकम कर लिए, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब गड़बड़ सिस्टम में नहीं है, गड़बड़ अपलाइन में नहीं है, गड़बड़ कंपनी में नहीं है, गड़बड़ प्लेटफॉर्म में नहीं है, गड़बड़ प्रोडक्ट में नहीं है, गड़बड़ खुद के अंदर है। तो उसको सुधारेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आगे चले, इन्विटेशन करने हैं जूम में, ठीक है, जूम मीटिंग के लिए इन्वाइट करना है, खुद से ही प्लान नहीं बताना है, खुद ही अपन चालू नहीं हो जाना है भैया, जितना ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, जितना ज्यादा संभव हो, आपको लोगों को जूम में लेकर आना है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों, जूम में माहौल मिलता है, बहुत सारे लोगों को जब एक साथ देखता है, जब आपका आपका पार्टनर, आपका गेस्ट, तो उसके अंदर उसका माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज होता है, क्या इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा तो मैं ही बेवकूफ हूँ, ये माइंडसेट उसके अंदर आता है। साथ ही साथ जो बताने वाला व्यक्ति, जो प्रेजेंट करता है सिस्टम में मीटिंग, जो शाम का मीटिंग प्रेजेंट करता है, वो ऑलरेडी एक्सपर्ट होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी एक्सपर्ट लोग आते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ रहता है, कार है, घर है, बड़ा बड़ा इनकम है, लाइव इनकम दिखाने का उसके पास बहुत बड़ा जरिया रहता है। इसीलिए क्या करना है, लोगों को जूम में लेकर आना है, और बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप अगर जूम में लेकर आएंगे तो वो काम डुप्लीकेबल है, बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं एक साथ जूम में, इसलिए जूम में लेकर आना है। आगे चले, जूम में लेकर क्या बोल के आना है, सफलता का ब्रह्मास्त्र डीएमपीएल में, वो क्या है, कैसा रहेगा, इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके लाना है लोगों को जूम मीटिंग में, तो कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र, कैसे लगाना है, इसके लिए डीएमपीएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत शानदार वीडियो बना हुआ है, डला हुआ है, कि लोगों को कॉल से जूम मीटिंग में कैसे इनवाइट करें, ये आपके लिए जबरदस्त वीडियो डला हुआ है। उस वीडियो को बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स तैयार करिए, और उसी सिस्टम से, उसी तरीके से जैसा बताया गया, उसी तरीके से आपको इनवाइट करना है लोगों को, कैसा रहेगा लगा के, ठीक है, ये काम आपको आज के आज ही करने हैं, आज के आज ही करने हैं, ठीक है। अब आगे चलें, आज के ट्रेनिंग में स्पेशल क्या है, आज आप सबने टॉपिक पढ़ा होगा स्पेशल ट्रेनिंग, तो आज के ट्रेनिंग में जितने लोग आए हैं,
स्पेशल लोग आए हैं, जैसे पटेल सर बोल रहे थे ना स्पेशल लोग करके, रियली में आप लोग स्पेशल हैं, स्पेशल लोग हैं। क्यों स्पेशल है भाई? आप अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों से अलग हटकर आज आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मतलब आप स्पेशल हैं। करोड़ों लोगों के बीच रहकर, करोड़ों लोगों की जनसंख्या वाले देश में रहकर अगर आप डीएमपीएल ज्वाइन किए हैं तो आप स्पेशल हैं, अपने आप को स्पेशल समझना है। आप अपने घर में बदलाव चाहते हैं, अपने जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, मतलब आप स्पेशल हैं। आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस तो आया कम से कम, मतलब आप स्पेशल हैं। तो आप आज सबके लिए स्पेशल है, वो है दोस्तों ये डीएमपीएल का शानदार एग्री बूस्टर प्लस। आज इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं, जो बाहर जो पुतला रहता है उसको ना सीजन के हिसाब से उस पुतले को ड्रेसअप किया जाता है, पुतले का ड्रेसअप किया जाता है। अगर ठंड का सीजन है तो स्वेटर पहना दिया जाता है, बारिश का सीजन है तो रेनकोट, गर्मी का सीजन है तो बनियान पहना कर रखा जाता है पुतले को। आप सबने देखा होगा क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, और सीजन के हिसाब से जो चीजें हम डालेंगे, अगर ठंड के सीजन है और हम उसको बनियान पहना कर रखेंगे तो लोग ना वहां जाने से डरेंगे, भाई यार क्या मतलब यहाँ जाने का, बरसात का सीजन और उसको स्वेटर पहना कर या बनियान पहना कर रखे हो तो कहाँ जाएगा, रेनकोट पहनाएंगे तब तो जाएगा ना। और इधर गर्मी का सीजन है और उसको रेनकोट पहना दिए या स्वेटर पहना दिए, कौन जाएगा उस दुकान में? तो समय के हिसाब से, ठीक है, माहौल के हिसाब से, अपने माहौल को, अपने काम करने के तरीकों को जरूर 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 अपडेट करते रहना है। तो अभी दोस्तों आप सबको पता है हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा कहा जाता है। मतलब आप ऐसे शानदार जगह से बिलोंग करते हैं जहां पूरा 80 से 90% लोग किसानी के ऊपर डिपेंड है, पूरा किसानी के बल पर ही पूरा भारत देश चलता है। जी हाँ, पूरा भारत देश इसी बल पर चलता है, और आप ऐसे देश में रहते हो जहां पर ये जबरदस्त चीज होता है। और आपके लिए जबरदस्त खुशखबरी ये है कि आपके लिए डीएमपीएल लेकर आया है ऐसा शानदार प्रोडक्ट जो मदद करेगा किसानों का, जो मदद करेगा किसानों के फसल को बढ़ाने में, किसानों के कर्ज को कम करने में, बहुत सारी चीजों में मदद करने वाला है। तो इस शानदार प्रोडक्ट का आज जानकारी मिलने वाला है। बहुत सिंसियर होकर डायरी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाना पड़ेगा तो आपको बनाइए जरूर, क्योंकि वो नोट्स तब काम आएंगे जब आप लोगों को बताने जाएंगे। ठीक है, अभी तो आप सीख रहे हैं, तो आप सीख रहे हैं तो अभी तो आपके दिमाग में आएगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा, हो सकता है ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोगों को शेयर करने जाएंगे तो ये नोट्स जरूर काम आएगा आपका, इसलिए बनाना है। चलते हैं आगे, दाम कम काम ज्यादा। जी हाँ, ये ऐसा शानदार प्रोडक्ट है एग्री बूस्टर प्लस जिसका दाम बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसी तरीके के और भी मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे जो बहुत महंगे दाम में मिलने वाले हैं, महंगे दाम में मिलते हैं लोगों को, ठीक है, महंगे दाम में लोग लेते हैं, लेकिन हमारा एक डीएमपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आसान इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि हम ऐसा प्रोडक्ट लाए हैं जो जबरदस्त रिजल्ट ओरिएंटेड तो है लेकिन दाम में भी बहुत कम है। क्यों दाम कम रखे हैं? क्योंकि हमारे देश में मिडिल क्लास के लोग बहुत ज्यादा हैं, जिनको एफर्ट करना, अगर प्रोडक्ट महंगा रहता तो एफर्ट करना बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए हमने बहुत ही सस्ते में बहुत शानदार प्रोडक्ट लाया है। मतलब दाम कम और काम ज्यादा, काम क्या क्या कैसे ज्यादा है आगे जानेंगे। तो ये हमारा एग्री बूस्टर प्लस, इसी के बारे में आज नॉलेज लेते हैं। तो एक जबरदस्त चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। ये मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी है हमारा जो कृषि है। जी हाँ दोस्तों, हमारा कृषि भारत देश का रीढ़ का हड्डी है, और आप सबको बताते हैं, मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि हमारा रीढ़ का हड्डी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। एक लाइव एग्जाम्पल आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एट द प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम, अभी के प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय का एक जबरदस्त भयावह एग्जाम्पल ये है कि आप सब अभी मार्केट में जाएंगे जो टमाटर का रेट पता करेंगे ना, तो फिर पसीने छूट जाएंगे। 100 150 रुपया किलो हो चुका है टमाटर। कारण क्या है? क्योंकि कृषि हमारे देश का जो रीढ़ का हड्डी है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। क्यों कमजोर होता जा रहा है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, क्यों कमजोर होता जा रहा है, और ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, अब चिंता करने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन दोस्तों आप डीएमपीएल में आ गए हो तो चिंता नहीं करना है, अब चिंतन करना है। चिंता करोगे तो जल जाओगे, निपट जाओगे, चिंता चिता के समान होती है। अब चिंतन करेंगे, चिंतन करेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आज चिंतन करने के लिए अपन आए हुए हैं, ठीक है, चिंता तो अभी बहुत किए हैं, और अगर आप चिंतन नहीं करोगे तो चिंता अपने आप आ जाएगी। जी, और केवल टमाटर का रेट नहीं, बहुत सारे चीजों का रेट धीरे 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 बढ़ रहा है, और उससे भी बड़ी दुख की बात है, उससे भी बड़ी डर की बात है कि रेट तो बढ़ रहा है प्रोडक्ट का, सामान का, जो हमारे जरूरत का चीज है, रोटी कपड़ा और मकान, उसका रेट अगर बढ़ रहा है तो हमारे लिए बहुत डर की बात है। क्यों डर की बात है? वो सबका रेट तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा जो आमदनी है, हमारा इनकम नहीं बढ़ रहा है।
और कम हो गया कई लोगों का इनकम, क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है यार खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो हमारा जो कृषि है ये हमारा रीढ़ का हड्डी है, और ये कमजोर होगा, अगर सोच कर देखिए, अगर ये कमजोर हो जाएगा ना, धीरे धीरे हमारी और भी दिक्कत बढ़ने वाली है। तो आप सबसे मैं चाहूंगा दोस्तों कि हमारा जो मिशन है उसमें सब अच्छे से शामिल होइएगा, जबरदस्त तरीके से भिड़ जाइएगा। अगर आप अपना सुधार कर लेंगे, ठीक है, तो देश का बहुत जबरदस्त सुधार होने वाला है, ठीक है। और आप अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग करें सब मिलजुल कर, तो देश का बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है, क्योंकि हमारा रीढ़ का हड्डी ही है कृषि। ठीक है, आगे चलें। ये हमारा जो मिशन है जिसके बारे में बता रहा था, एग्रीकल्चर मिशन ऑफ डीएमपीएल, जहर मुक्त खेती। ठीक है, जहर मुक्त खेती क्यों लिखा गया है? क्योंकि आप सब देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है। हम खा तो रहे हैं जो चीज, बहुत सारे चीज खा रहे हैं, लेकिन वो जो खा रहे हैं उसमें ना प्रोटीन ढंग से है, ना विटामिन ढंग से है, ना मिनरल ढंग से है, ना फैट है, ना वसा है, कोई भी चीजों का अच्छा सा उसमें मात्रा नहीं है। पहले जमाने में जब एप्पल आता था, सेब आता था, तो उसमें सेब में आयरन पाया जाता है। पहले जमाने में जब आयरन एक सेब खाते थे तो एक कहावत बना था, एन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, एक दिन में एक सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। लेकिन आज समस्या बहुत खतरनाक गंभीर हो चुकी है। आप कितना भी 4 ठो भी सेब खाओगे तब भी आपको उतना आयरन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज सेब फल में 60% से ज्यादा आयरन की मात्रा कमी हो गई है। तो हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उसको खाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। कारण क्या है? जहर डाल डाल कर फसलों को उगाया जाता है, जहर डाल डाल कर फल फूल सब्जियां सारी चीजों को जहर डाल कर उगाया जाता है। कैसे जहर डाला जाता है भैया? जो मिट्टी है वो मिट्टी खराब हो चुका है, उसमें पोषक तत्व तो कमी हो चुकी है, और जो फल जो उसको प्रोटीन मिलना चाहिए पौधों को वो नहीं मिल पा रहा, वो बीमार होते जा रहा है। बीमारी जब आता है तो उसको दिया जाता है दवाई, खतरनाक जहरीला दवाई। अगर आप रोड में भी जाते रहेंगे ना, आपको सुगंध बस आ जाएगा, सुगंध नहीं बोलूंगा भैया, दुर्गंध। जब उस दवाई का दुर्गंध आप रोड से आप सूंघते हैं तो आपको पूरा सर दर्द होना चालू हो जाता है। ऐसे खतरनाक 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 यार खतरनाक जहरीले दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है खेत में, फसलों को दिया जाता है। सोच कर देखिए, इतना खतरनाक जहर हमारे अंदर इनडायरेक्टली आ रहा है। तो हमारा मिशन है पहला कि देश को, भारत देश को जहर मुक्त बनाना है भैया। हमारा किसान है जो खेती कर, उसको जहर मुक्त बनाना है। और जहर मुक्त बनेगा तो खर्चे कम होंगे, दवाइयां कम डलेगा तो खर्चे कम होंगे, जिससे समृद्धि आएगी किसानों को। और किसानों को एक और तकलीफ देता है, जब दवाइयां डालते हैं तो उनका भी स्वास्थ्य बहुत गंदे तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है। धीरे 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 उनके अंदर भी इनडायरेक्टली जहर जहर डल रहा है उनके शरीर में, उससे भी बचाना है। और जिस जिस दिन ये दोनों चीजें हम कर पाएंगे भैया, अचानक तो नहीं होगा, लेकिन मिशन लेकर चल रहे हैं, धीरे 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 हम ये करते रहें, कर पाए, करते जाएं, तो हमारा देश, भारत देश स्वस्थ हो जाएगा। क्यों स्वस्थ होगा भैया? क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है किसान लोग, और किसान लोग स्वस्थ हैं। और सबको पता है एक चीज, मैं एकदम लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, जिस साल किसानी डिस्टर्ब होता है, आप सबको पता है, जिस साल जिस वर्ष किसानी डिस्टर्ब होता है, किसान लोग जिस साल डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस साल पूरा भारत देश का, पूरा देश का अर्थव्यवस्था डगमगा जाता है। हर किसी का बिजनेस, नौकरी, जॉब, सब चीज डिस्टर्ब हो जाता है, सबको पता है। ठीक है, तो ये हमारा मिशन है, और मैं चाहूंगा, हम चाहेंगे कि आप सब लोग इस मिशन में शामिल हो और हमारे देश को स्वस्थ बनाने में सबकी मदद करें। आगे चलें। किसी भी फसल के लिए आप थोड़ा सा जानकारी डीप में चलते हैं, ठीक है, थोड़ा डीप जानकारी लेते हैं कि आपको ये एग्री बूस्टर प्लस कैसे मदद करेगा। जिस दिन भाई आपको, जब तक पता नहीं रहेगा आपको आपको किसी तरीके का कोई बीमारी है, तब तक आप उसको इलाज कैसे करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सर, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, भैया वो ऐसे दवाई नहीं देता, पहले उसको पता तो रहे कि आपको बीमारी क्या है। ठीक है, और ऐसा कोई डॉक्टर ऐसा रहेगा जो आप बोलोगे सर तबियत खराब है, वो जाते ही इंजेक्शन लगा दे, जाते ही दवाई दे देगा, तो आप समझ जाना फिर गड़बड़ी है कुछ, आप ऐसे डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाओगे। तो थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं डीप में कि आपको हमारे शानदार प्रोडक्ट आपके लिए और आपके जो नेटवर्क में, आपके पहचान में जितने किसान भाई लोग हैं उनके लिए कैसे मदद कर सकता है। तो थोड़ा डीप में जाते हैं, अच्छे से अलर्ट होकर सुनिए। किसी भी फसल के लिए मुख्य घटक कौन कौन सा है? फसल उगना, जी हाँ, उपज होना। फसल उगना एक घटना है, ठीक है, और इस घटना को घटने के लिए कुछ घटकों की जरूरत होती है। तो पहला घटक क्या है जहां पर फसल होना जरूरी है? वो है पहला, कृषि योग्य जमीन। जब तक आपके पास जमीन नहीं होगा तो आप फसल कैसे करेंगे? ठीक है, तो जमीन बहुत ज्यादा मायने रखता है। और वो कैसा वाला जमीन होना चाहिए जहां पर किसानी किया जा सके? हर जमीन पर, हर मिट्टी पर किसानी नहीं किया जाता। ठीक है, तो किसानी के
लायक जमीन होना जरूरी है, यह पहला घटक है जहां पर वो घटना घटेगा। दूसरा घटक है वो है जिसका भी आपको फसल लेना उसका बीज होना आपके पास जरूरी है। ठीक, अगर धान का बीज ले, अगर आप धान उगाना चाहते हैं, धान का फसल लेना चाहते हैं, तो आपके पास धान का बीज होना चाहिए। गेहूं का फसल लेना चाहते हैं, गेहूं का बीज होना चाहिए। अगर आप राहर का फसल लेना चाहते हो, तो राहर का बीज होना चाहिए। तो ऐसे जिसका भी फसल आप लेना चाहते हो उसका बीज होना बहुत जरूरी है, दूसरा घटक है। और तीसरा घटक है दोस्तों, उसके अनुकूल आपको मौसम चाहिए, इन्वायरमेंट वैसा होना चाहिए। गर्मी फसल में कहीं कहीं देखे होगा गर्मी में होता है, लेकिन उसके लिए उसको दिया जाता है वैसा मौसम, तब वो फसल उगता है। नहीं, गर्मी में कोई धान बहुत कम रेयर बोया जाता है, बुआई किया जाता है जब नौटप्पा लगे रहता है, किसी धान बोते देखे हो क्या? नहीं। तो ये तीसरा घटक है जो बहुत जरूरी है। किसी भी फसल को उगाने के लिए तीन घटक हैं जो बहुत जरूरी है, और ये तीन घटक जब रहेंगे, तीन घटना जब घटेगी, सही समय जब होगा, सही फसल जब आप डालोगे, सही मिट्टी जब रहेगी, तो आपका फसल बढ़िया होगा और स्वस्थ रहेगा। तो आगे चलते हैं, ये अच्छी मिट्टी या सही मिट्टी को जानने के लिए मिट्टी परीक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे पार्टनर हैं और आप अगर किसान हैं, तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब मिट्टी परीक्षण कराइए अपना। मिट्टी परीक्षण फ्री में किया जाता है। अब अगर आप गांव में रहते हैं, तो आपका ग्राम सेवक जो होता है, ठीक है, ग्राम सेवक के पास जाइए, उसको बोलिए भैया अपना मिट्टी टेस्ट करवाना है, और नहीं भी करा पा रहे हैं तो आप अपने आसपास जहां भी आपको कृषि अनुसंधान केंद्र दिखेगा वहां पर जाइएगा और अपना मिट्टी का टेस्ट जरूर करवाइएगा। इससे फायदा क्या है, आपको पता रहेगा कि आपके खेत के मिट्टी में क्या डालना सही है और क्या डालना नहीं है, ठीक है, क्या डाला जाना चाहिए क्या नहीं डाला जाना चाहिए, वो मिट्टी परीक्षण से पता चलता है कि आपके मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी है, फास्फोरस का कमी है, पोटेशियम पोटास का कमी है, या और किसी और अन्य धातुओं की कमी है, ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम बोरान कोबाल्ट क्या चीज का कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट की कमी है कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की कमी है, वो सारी चीजें वहां पर डिस्क्राइब किया जाता है। तो आप बिल्कुल 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 एकदम अभी तो नहीं करा सकते, मिट्टी अगर गीला हो चुका होगा, पानी गिर चुका होगा, तो अभी तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन फ्यूचर में जब ये सीजन चला जाएगा तो बिल्कुल सिंसियरली आप इस काम को कराइएगा, बहुत फायदा रहता है इससे, ठीक है, और सस्ते का है, सस्ता रहता है, फ्री में भी होता है यार गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ा सिंसियर हो जाना है। आगे चले, अच्छे मिट्टी अच्छे बीज के लिए बुआई से पहले बीजोपचार किया जाना बहुत जानदार, बहुत ही बेहतर और बहुत ही फायदेमंद रहता है, ठीक है। अभी आप सबके बीच एक पोस्टर चला होगा, अभी सबने देखा होगा कि बीज उपचार कराने से क्या फायदा हुआ, वही बीज को दो बीज को लिया गया था, वो पोस्टर आप अपने सीनियर से जरूर लीजिएगा, आपको फोटो मिल जाएगा उसका। एक बीज को एक ही साथ बुआई किया गया, एक में एक एग्री बूस्टर प्लस का इस्तेमाल किया गया, एक में नहीं किया गया, और आप देखेंगे फर्क आपको बहुत साफ दिखेगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पार्टनर हैं जिन्होंने बीजोपचार किया था, और बीजोपचार का सबसे बड़ा फायदा है, जैसे आप जानते हैं पोलियो जब होता है, ठीक है, पोलियो कब होता है, जब पोलियो का टीका समय में नहीं लगाया जाता तब। अब पोलियो ऐसा बीमारी है भैया, ऐसा बीमारी है जो ना जिसका इलाज ही नहीं है, और पोलियो नहीं हुआ दूसरा बीमारी भी हो जाता है अगर टीका नहीं लगे रहेगा तो, और दूसरी समस्याएं हो जाती है, और ऐसा ऐसा समस्या होता है जिसका इलाज बहुत दुभर हो जाता है, बहुत तकलीफदायक हो जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है भैया, टीका लगाया जाता है। तो ये बीजोपचार की जो प्रक्रिया है, अगर आपने अभी धान नहीं बोया होगा, ठीक है, अगर आपने धान नहीं लगाया होगा खेत में, तो आप जरूर जरूर बीज उपचार कीजिए। और बीज उपचार किससे करना है, हमारे शानदार एग्री बूस्टर प्लस से, ठीक है, एग्री बूस्टर प्लस से बीज उपचार कैसे करना है, 10 किलो 15 किलो अगर आपके पास धान है, तो उसको हमारे 30 ml एग्री बूस्टर प्लस उसमें मिलाई और हल्के हाथों से मलना है, पेड़ के छाव में या घर के अंदर सुखाना है, और उसको छींट देना है, पूरा धान में सिंचाई कर देना है, जबरदस्त तरीके का रिजल्ट आएगा, और मैक्सिमम बीज है वो कन्वर्ट होंगे, मैक्सिमम बीज फलेंगे फूलेंगे, मैक्सिमम बीजों का वहां पर अच्छे से रिजल्ट दिखेगा आपको। तो ये बीज उपचार करने का फायदा, और बीमारियां कम लगेगी, ठीक है, बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा ये बीज उपचार की प्रक्रिया। आगे चले, मौसम में अगर ज्यादा परिवर्तन आता है तो बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और किसी भी किसान से जब मिलने जाएंगे, किसी भी ऐसे परिचय के लोगों को जब बताने जाएंगे हमारे शानदार प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, उनको भी अच्छे से ध्यान रखवाना है, उनको भी इस चीजें बता देना, भैया अगर मौसम खराब रहेगा, ठीक है, अपना प्रोडक्ट नो डाउट बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है, नो डाउट अल्टीमेट प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं, लेकिन भैया मौसम जब खराब होता है ना, तो अच्छे से अच्छे प्रोडक्टों में वैसा रिजल्ट नहीं आ पाता जैसा आना चाहिए। तो मौसम अगर ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है, मौसम बहुत ज्यादा बीमार है, तो अच्छा स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार होने लगता है,
इसका ध्यान रखना, उसको बता देना भैया हमारा प्रोडक्ट नो साउंड नो डाउट बहुत ही शानदार, अल्टीमेट जबरदस्त, बेहतरीन, सुपर, माइंड ब्लोइंग सब चीज है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। लेकिन ध्यान रखना, मौसम अगर ज्यादा खराब होगा ना भैया तो उसकी गारंटी हमारी नहीं, ठीक है। लेकिन एक जरूरी चीज ये है, अगर हमारा प्रोडक्ट अगर आपने इस्तेमाल किया है या करोगे, तो हमारे प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि ये मौसम से लड़ने में, मौसम से लड़ने में मदद करता है पौधों को। जी हाँ, पौधों की मदद करता है मौसम से लड़ने में। ये बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे प्रोडक्ट का, क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि ये नेचुरल है। जी हाँ, केमिकल बेस्ड नहीं है, ये नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल कंटेंट इसमें मिलाकर बनाया गया है, इसलिए ये नेचुरली प्रोडक्ट को मदद के पौधों को मदद करता है मौसम परिवर्तन से आने वाले समस्याओं से जूझने में। जी हाँ, आगे चलें। हाँ, अब अच्छे फसल के लिए आवश्यक चीज है, एकदम डीपली आपको नॉलेज दिया जा रहा है ताकि आपको पता रहे कि हमारा प्रोडक्ट काम कैसे करता है। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज जरूरी है कि अच्छा फसल, सिर्फ फसल की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, अच्छे फसल के लिए आवश्यक चीज क्या क्या है। पहला आवश्यक चीज है दोस्तों, वो है, ये तीन चीज आवश्यक है, हवा, पानी और भोजन। ये तीनों चीजें आवश्यक है, भाई डिटेल में जानते हैं। पहला है हवा। हवा कहाँ से मिलता है उसको, तो ऑक्सीजन जो H2O से भी, वहां से भी मिल जाता है, और इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के गैसे हैं, ठीक है, वो पौधों को मिल जाता है, वो मिलता है इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से हवा मिल जाता है। पानी कहाँ से मिलता है, ये भी पर्यावरण से, बरसात के सीजन में मैक्सिमम खेती किया जाता है, क्योंकि अब पर्यावरण से, नेचर से हमको पानी मिल जाता है। उसके अलावा जरूरत पड़ने पर अलग अलग तरीके से पानी दिया जाता है, सिंचाई करके, कहीं नदी नाले से, कहीं बोर से, अलग अलग तरीकों से पानी दिया जाता है जरूरत के हिसाब से, ठीक है। ये पानी यहाँ से मिल जाता है, तीन आवश्यक चीज है भैया, पहला हवा, दूसरा पानी। पानी जैसे इंसान के लिए हवा, पानी और भोजन जरूरी, वैसे ही पौधों के लिए, भी बहुत ज्यादा जरूरी है तीनों चीज। और तीनों में से कोई भी एक चीज डिस्टर्ब होता है तो पौधे के जो उपज होता है, पौधे का जो स्वास्थ्य रहता है, वो भी खराब होने लगता है। तो इन तीनों चीजों को अपने को ध्यान में रखकर चलना है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, वो भोजन। भोजन कहाँ से मिलता है पौधों को, सूर्य से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप सबने सुना होगा, वो होता है, ठीक है। सूर्य से अलग अलग तरीके की और भी एनर्जी से यहाँ पर इकट्ठा करते हैं पौधे। उसके अलावा मिट्टी से भी भोजन मिलता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, हवा को आप कुछ नहीं कर सकते, वो नेचुरल है। पानी को आप, जो नेचुरल आता है उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जरूरत पड़ने पर आप, अगर आपके पास सुविधा है तब, आप पानी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आ चुकी है बात भोजन की, ठीक है दोस्तों। भोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो खाएगा नहीं फिर कैसे आगे ग्रोथ करेगा। तो भोजन तो सूर्य से मिल रहा है, लेकिन और इंपॉर्टेंट चीज है भोजन देने के लिए, वो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मिट्टी। और आप सबको बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे देश में, हमारे देश को मिट्टी, जो स्वस्थ, बहुत जबरदस्त तरीके का मिट्टी हमारे देश में हुआ करता था, वो आज मिट्टी दिन ब दिन हमारे देश के किसानों, किसान भाइयों का जो खेत का मिट्टी है, जहां पर फसल उगाते हैं, वो मिट्टी धीरे 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 खराब होता जा रहा है। और जो मैंने शुरुआत में कहा था, बहुत गंभीर समस्या पैदा हो जाएगा अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे समय रहते। तो आज टमाटर 100-150 रुपए किलो है, कल 250-300-500 रुपए किलो हो जाएगा, वैसे ही बहुत सारी चीजों का रेट बढ़ जाएगा भैया, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो, ठीक है। तो मिट्टी, आइए बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अगर फसलों को सही समय में पर्याप्त पोषक तत्व तो मिले तो फसल अच्छा हो सकता है। समझ में क्या आया, इंसान अगर सही समय में उसको जो चाहिए वो नहीं मिल पाया, हवा, पानी और भोजन, सही समय में उसको जो पोषक तत्व तो चाहिए, ठीक है, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, वसा, फैट, जो चाहिए नहीं मिल पाया, तो आदमी बीमार हो जाएगा। वैसा फसल को अगर सही समय में भोजन नहीं मिला तो वो भी बीमार हो जाता है। आइए जानते हैं आगे मुख्य पोषक तत्व तो क्या क्या होता है, एकदम ब्रीफ में नॉलेज रखेंगे। पहला पोषक तत्व तो जो फसल को चाहिए, एनपीके, आपने सुना भी होगा, डीएपी, यूरिया, पोटास, राखड़, एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी जिसको गौण बोलते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक, ठीक है। उसके बाद सल्फर, ठीक है, सल्फर बोलते हैं हम, जो नेचुरल, मतलब नॉर्मली में किसान लोग सल्फर बोलते हैं, गंधक को सल्फर डाला जाता है अलग से, जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ता है, जब धान उठ नहीं पाता ठंड बहुत ज्यादा पड़ने के कारण, तो ये ज्यादातर सल्फर का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी कहीं कहीं पाया जाता है, तो अलग से मैग्नीशियम डाला जाता है, ज्यादातर मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें जिंक, की मात्रा बहुत ज्यादा कहीं कहीं कमी देखा जाता है, कहीं कहीं पर जिंक का कमी देखा जाता है, तो अलग से जिंक का सिंचाई सिंचाई किया जाता है, छिड़काव किया जाता है खेत के अंदर। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है जो दिया जाता है, ठीक है। आगे चलें,
ये पीएच वैल्यू, इसका नॉलेज इसलिए दिया जा रहा है दोस्तों, जब आप मिट्टी टेस्ट कराएंगे तो ये भी आपको बताया जाता है कि मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना है, या क्या बताता है कि मिट्टी आपका जो मिट्टी है कितना एसिडिक है, कितना बेस है, मतलब कितना एल्कलाइन है और कितना एसिडिक है, कितना क्षारीय है और कितना अम्लीय है, ये बताया जाता है पीएच वैल्यू से। अगर आपका मिट्टी बहुत ज्यादा क्षारीय है तो आपको वहां पर भी दिक्कत होगा फसल उगाने में, और कहीं ज्यादा अम्लीय है तो वहां पर भी दिक्कत होगा फसल उगाने में। तो वहां पर मेंशन किया जाता है कि अगर आपका मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय है तो ये आपको नहीं डालना है। मिट्टी टेस्ट कराने से ही सबसे बड़ा फायदा है भैया, आपके मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो आपको ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है, आपके मिट्टी में ऑलरेडी पोटेशियम है, फास्फोरस है, तो आपको इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल नहीं करना, वैसा मेंशन किया जाता है। तो आपको उससे बड़ा फायदा ये है कि आपके खर्चे कम हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये पीएच वैल्यू वहां पर मेंशन किया जाता है। मिट्टी टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, ठीक है, ऐसा होता है पीएच वैल्यू आप अगर जाएंगे तो देखेंगे, अगर 5 से 6 से 7 से कम है इधर तो एसिडिक होते जाता है, वो उधर बेस हो जाता है, एल्काइन होते जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जिस नॉलेज ये होता है ऐसा पीएच वैल्यू देख सकते हैं ये, ठीक है। जहां पर एसिडिक होता है वहां पर आपको ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा ऑलरेडी पाया जाता है। तो अगर आपका मिट्टी एसिडिक है, अगर आपकी मिट्टी अम्ली है तो ज्यादा यूरिया डालोगे तो पूरा वेस्ट है, वो टोटल बर्बादी है पैसे का, टोटल बर्बादी है वो यूरिया खाद का। और यूरिया खाद डालने से भी, आपने हाल में ही एक वीडियो देखा था, हमारा जो किसान मित्र होता है केंचुआ, वो बहुत गंदे तरीके से उसके लिए हानिकारक है यूरिया, वो बहुत जल्दी मर जाता है, और उससे क्या होता है मिट्टी में जो नेचुरल प्रक्रिया होनी चाहिए, नेचुरल उसमें जो बदलाव होना चाहिए वो नहीं हो पाता, इसलिए यूरिया का मात्रा कम करना है, ठीक है, यूरिया का मात्रा कम करना है अगर आपका मिट्टी अम्लीय है तो। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा भैया, जब आप मिट्टी टेस्ट कराएंगे तब, लेकिन मिट्टी टेस्ट अपन कराए ही नहीं है, पता ही नहीं है, ठीक है, फिर भी टेंशन मत लीजिएगा, डीएमपीएल सब आसान है, आपको और बताया जाएगा कैसे मिट्टी टेस्ट भी नहीं भी कराए होंगे अभी हाल में, 4 महीने अब तो किसानी आ चुका है तो उसके लिए अपने को अब प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम फोकस नहीं करेंगे भैया, सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। अगर आपका मिट्टी अल्कलाइन है ज्यादा, अगर क्षारीय है तो वहां पर पोटेशियम की जरूरत नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, अब फसल की अलग अलग प्रक्रिया होती है, ये देख सकते हैं इतने सारे प्रक्रियाओं से, जब फसल 20 से 25 दिन का होता है तो अलग प्रक्रिया, जड़ निकलने की अवस्था, किल्ले फूटने की अवस्था 40 से 45 दिन तक, तने और गांठ बनने की अवस्था 50 से 60 दिन में, पुष्पावस्था 85 से 90 दिन। मैक्सिमम फसल जो हमारे देश में किया जाता है, मैक्सिमम किसानी जो किया जाता है उसमें फसलों का जो दिन रहता है, उम्र रहता होते है, वो होता है 100 से 120 दिन, मतलब 4 महीने का रहता है मैक्सिमम। और कई कई जगह हाइब्रिड फसल डाला जाता है, वो वहां के सिचुएशन के हिसाब से कई जगह 90 दिन का भी, 80 से 90 दिन का भी फसल उगाया जाता है, तो वो डिपेंड करता है वहाँ के एरिया के हिसाब से, कई जगह ज्यादा पानी रहता है तो उसी हिसाब से, कई जगह बाढ़ आने की संभावना रहती है तो उसी हिसाब से वहाँ पर फसल किया जाता है अलग अलग तरीकों से, ठीक है। आगे चलें, ये अब आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि दोस्तों हवा पानी और भोजन, तो भोजन में सुधार करना बहुत आवश्यक है, और भोजन में सुधार इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे देश का जो मिट्टी है, हमारे देश में जहाँ किसान फसल उगाते हैं उस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी बहुत गंदे तरीके से बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है भैया। पोषक तत्व अगर मिट्टी में नहीं रहेगा तो अलग से देना पड़ेगा, और अलग से देना पड़ेगा तो खर्चे बढ़ जाएंगे, और खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन कमाई कम हो रही है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। उसके कारण और भी बहुत सारे दिक्कतें पैदा होती है, बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है बीमारियां लगने पर, और बीमारियां लगने के बाद जब केमिकल पेस्टिसाइड डाला जाता है तो किसान खुद बीमार होता है, उसको खाने वाले बीमार होता है, और अलग से कर्जे बढ़ जाते हैं, अलग से खर्चे बढ़ जाते हैं। तो सारे चीजों को रोकने के लिए लेकर आए हैं दोस्तों डीएमपीएल का एग्री बूस्टर प्लस। कैसा रहेगा अगर आपके 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 मिट्टी में सुधार आ जाए, 2-3 साल के अंदर आपको मिट्टी सुधर जाए, कैसा रहेगा सोच कर देखिए, मजा आ जाएगा। और ये कैसा रहेगा यही आपको किसान को पूछना है, ठीक है, आपको वही पूछना है, कैसा रहेगा आपके मिट्टी में अगर इस सुधार आ जाए, कैसा रहेगा कि आपके जो खर्चे वो कम हो जाए धीरे धीरे करके, कैसा रहेगा कि आपका उपज बढ़ जाए धीरे धीरे करके। हर व्यक्ति बोलेगा भैया अच्छा रहेगा, तो कैसे होगा वही मैं बताने आया हूँ। तो क्या बताने आया हूँ भैया, मैं बताने आया हूँ हमारे शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है एग्री बूस्टर प्लस। तो एग्री बूस्टर प्लस क्या है, जानते हैं एग्री बूस्टर प्लस के बारे में, तो एग्री बूस्टर प्लस में पाया जाता है हुमेक एसिड, ठीक है। अगर आपके पास डब्बा पहुंच चुका हो तो डब्बे को डिटेल से अच्छा से पढ़िएगा, ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। ये क्या करता है, मुख्य रूप से मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे पौधों के जड़ों का विकास अधिक होता है। अगर मिट्टी भुरभुरा रहेगा तो ज्यादा जड़ फैलाव होगा, ज्यादा जड़ फैलेगा तो ज्यादा कंसा आएगा, ज्यादा कंसा आएगा तो ज्यादा फूल लगेगा, ज्यादा फूल लगेगा तो ज्यादा बालियां आएगी, ये फायदा है ह्यूमिक एसिड का, ठीक है। और ह्यूमिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता था इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिलता है। गाय का जो गोबर होता है,
उसमें ह्यूमिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आज तो गाय ही नहीं है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं, गाय कहीं कहीं दिखता है तो उसका गोबर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसलिए ह्यूमिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा मिट्टी में कमी होती जा रही है, तो उसको पूरा करने का काम करेगा हमारा एग्री बूस्टर प्लस, क्योंकि इसमें पाया जाता है ह्यूमिक एसिड, और ये किसके पास है, डीएमपीएल के पास। इतना ही नहीं, यह एसिड पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी तेज करता है, ठीक है। उसने जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसको भी बहुत ज्यादा तेज करता है, जिससे उसको हरा रखने में मदद करता है। और किसान लोग का एक बड़ा तकलीफ क्या है, जब भी फसल जो हरा रहता है धीरे धीरे जब पीला होना चालू होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया का छिड़काव करते हैं। नो डाउट पौधा बहुत जल्दी हरा तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ मीठा हो जाता है। मीठा होने के बाद क्या होता है, उसमें बीमारियां बहुत ज्यादा लगने लगती है, क्योंकि कीड़ा, कीड़ा का क्वालिटी क्या है, मीठा चीज को ज्यादा लेता है, और पौधा मीठा हो गया तो कीड़ा लगने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बीमारियां लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यूरिया का उपयोग कम करना है, तो आप उसके जगह में इस्तेमाल करिए भैया ह्यूमिक एसिड, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक हरा रखेगा तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। और हरा रहना क्यों जरूरी, पौधे को अगर हरा रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से कर पाएगा, इसलिए हरा रहना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हरा रखने के लिए, ज्यादा दिन तक हरा रखना है, बीमारी से बचाना है, तो यूरिया ना डालिए, कम डालना है तो आप इस्तेमाल करिए ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक एसिड हमारे पास है एग्री बूस्टर प्लस, ठीक है। आगे चले, एग्री बूस्टर प्लस में पाया जाता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या करता है, पौधे अमीनो एसिड को पौधे में प्रयोग करने के बाद यह पौधे के विकास को उत्तेजित करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, उसके जो ग्रोथ है उसको बढ़ाता है, या मुख्य रूप से श्वसन तीव्रता, प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि और विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की गतिविधियों को बढ़ाता है। एंजाइम, ठीक है, एंजाइम जो जरूरी होता है भोजन को पचाने के लिए, खाने के लिए जो भी जरूरी होता है एंजाइम, वो उनको बढ़ाता है, उनकी गतिविधियों को तेज करता है, ताकि फसल उच्च उपज प्राप्त करने और उत्पाद मूल्य को, मूल्य बढ़ाने में, उत्पादन को बढ़ाने में फसल जल्दी परिपक्व हो जाता है, जल्दी से पक जाता है फसल, जल्दी से सही समय में फसल पक जाता है, जिससे किसानों को तकलीफ नहीं होता। ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का यही काम रहता है, और अमीनो एसिड पाया जाता है एग्री बूस्टर प्लस में, और एग्री बूस्टर प्लस हमारे पास है डीएमपीएल के पास, ठीक है। आगे चले, एग्री बूस्टर प्लस में क्या होता है, सीवीट। सीवीट मतलब क्या होता है, समुद्री शैवाल फर्टिलाइजर, ठीक है। समुद्री शैवाल ये क्या करता है, एक प्राकृतिक जैविक खाद है, या गमले में, गमले के पौधे में घास, फसल फूल, फल फूल के पौधे आदि की अच्छी बढ़त के लिए लाभदायक है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ ही पौधों को कई जरूरी पोषक तत्व तो देता है। सीवीड, इसके बारे में जाएंगे, समुद्री शैवाल है, समुद्री काई है, इसके बारे में अगर आप जाकर गूगल में सर्च करेंगे तो पता चलेगा ये कितना जरूरी है फसल के लिए, पौधों के लिए, ठीक है। आगे चले, और ये पाया जाता है एग्री बूस्टर प्लस में, और एग्री बूस्टर प्लस किसके पास है, डीएमपीएल के पास, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चले, एग्री बूस्टर प्लस में है फुलविक एसिड। फुलविक एसिड ये क्या करता है, फुलविक एसिड को प्रयोग करने से आप फसल और मिट्टी में पहले से उपस्थित, ये सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है हमारे एग्री बूस्टर प्लस का, वो है फुलविक एसिड। ये क्या है, सबसे जरूरी चीज, हम बहुत समय से हानिकारक जहरीले तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी में, फसल में, तो पहले से जो ऑलरेडी उसमें केमिकल डाला हुआ है, मिट्टी खराब हो चुकी है, जहरीला हो चुका है, उसको ठीक करने में मदद करता है यह फुलविक एसिड, ठीक है। उसको, उसके प्रभाव को कम करने में मदद करता है, मतलब ये हमारा वेल डिटॉक्स भी है इनडायरेक्टली, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, मिट्टी को स्वस्थ बनाता है, उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु जो, जैसे आपको मैंने बताया ना केंचुआ, ऐसे अलग अलग टाइप के सूक्ष्म जीवाणु जो होता है जीव, उनको उनको उनकी गतिविधियों को तेज करता है, उनको मरने नहीं देता, ठीक है, उनको मरने नहीं देता, क्योंकि ये नेचुरल है, ठीक है, जहर नहीं है, ये नेचुरल चीज है, तो वहां बहुत सारा फायदा है भैया, ठीक है। आगे चले, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश के बाद पानी की घुसपैठ में वृद्धि होती है। जी हाँ, जब बारिश, अभी क्या हो रहा है, मिट्टी में इतना ज्यादा डीएपी, यूरिया, पोटास, राखर इतना ज्यादा डाला जा चुका है, डाला जा रहा है, कि मिट्टी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कठोर होते जा रहा है, और कठोर होगा और पानी गिरेगा भी, बारिश का पानी गिरता है तो मिट्टी सोख नहीं पाता, क्योंकि ऊपर कठोर हो चुका है, वो बह जाता है, बाहर निकल जाता है, और पानी की कमी के कारण फसल को समय समय में जो पानी की जरूरत होता है वो नहीं मिल पाता, H2O नहीं मिल पा रहा ढंग से, इसके कारण वो अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर हमारे एग्री बूस्टर प्लस में क्या करता है, भुरभुरा बन जाता है मिट्टी में, ठीक है, और साथ ही साथ जो बारिश का पानी होता है उसको अंदर तक पहुंचाने में मदद करते हैं, ठीक है। मिट्टी की जल धारण क्षमता, मतलब जो जल को रोकने का क्षमता रहता है, कैपेसिटी रहता है, उसको स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है, बढ़ाता है, या अधिक पारगाम में मिट्टी में जड़ वृद्धि को भी बढ़ाता है, ठीक है। इससे पौधों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, और गतिशील पोषक तत्व जैसे नाइट्रस, नाइट्रोजन, एनपीके वगैरह जो रहता है वो जड़ तक पहुंचाने में मदद करता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर।
और ये ऑर्गेनिक मटर किसमें पाया जाता है? एग्री बूस्टर प्लस में। और एग्री बूस्टर प्लस किसके पास है? डीएमपीएल के पास। ठीक है, आगे चलें, बस थोड़ा दूर और। ठीक है, और ये डीएमपीएल एग्री बूस्टर प्लस के फायदे में, जो शॉर्ट में आपको अगर समझाना चाहूँ, तो ये बनाता है मिट्टी को भुरभुरा, कार्बनिक तत्वों को बढ़ाने में मदद करता है, आपने देखा इसमें जो पाया जाता है वो इस तरीके का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको एक चीज बताया था, पीएच वैल्यू, ठीक है, पैरामीटर ऑफ हाइड्रोजन, अगर ज्यादा अम्ली हो गया तो फिर मिट्टी में आप फसल नहीं उगा सकते, ज्यादा क्षारीय हो गया तब भी आप फसल नहीं उगा सकते, अगर ऐसा कंडीशन है, आप कितना भी खाद डाल रहे हैं तो वो टोटल वेस्टेज है, खाद का वेस्टेज है, मेहनत का वेस्टेज है, और सबसे खतरनाक चीज पैसे का वेस्टेज है वो, अगर आपका मिट्टी पीएच वैल्यू खराब है तो। और सबसे अजीब बात यह है कि आपको ही नहीं पता है, मैक्सिमम किसानों को ही नहीं पता कि उसकी मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है। लेकिन टेंशन नहीं लेना दोस्तों, डीएमपी तो सब आसान है, ये हमारा एग्री बूस्टर प्लस क्या करता है, अगर आपका मिट्टी का पीएच वैल्यू अनबैलेंस है, असंतुलित है, तो उसको संतुलित करने में मदद करेगा, 5.5 से 6 के बीच लाने में मदद करेगा, जिससे आप जो भी खाद डालेंगे कम डालेंगे तब भी आपको बेहतर रिजल्ट देने में मदद करेगा ये एग्री बूस्टर प्लस। पत्तों को ज्यादा दिन तक हरा रखेगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा खाद का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और ज्यादातर यूरिया का इस्तेमाल से आप बचेंगे, ज्यादातर यूरिया के इस्तेमाल से बचेंगे, क्योंकि हरा कम होता है तब हम यूरिया डाल देते हैं, तो वो डालना नहीं पड़ेगा क्योंकि हरापन ज्यादा दिन तक रहेगा। पुष्पन को बढ़ाता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग आएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लावर आएगा, ज्यादा से ज्यादा फूल आएगा, तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फल आएगा। और उससे भी मजेक बात है, अगर फल आया तो कई बार क्या होता है, फल झड़ने लग जाता है, सॉरी फूल आता है, फूल झड़ने लग जाता है, उसको भी मजबूती से पकड़ बनाकर रखने में मदद करता है, और फलों के रंग और वजन को अच्छा रखता है ये हमारा एग्री बूस्टर प्लस। और एग्री बूस्टर प्लस किसके पास है? डीएमपीएल के पास। आगे चलें थोड़ा सा और, इस्तेमाल कैसे करने हैं, तो इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों ज्यादातर किसान इस तरीके का स्प्रेयर यूज करते हैं, 15 लीटर से 16 लीटर का स्प्रेयर आता है, और अब तो बहुत बड़े बड़े स्प्रेयर आने लगे हैं, तो वो बड़े स्प्रेयर का इस्तेमाल तो बड़े बड़े किसान लोग करते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा ड्रम आता है, बड़ा बड़ा ऐसा टैंक आता है जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं किसान लोग मशीन के द्वारा, बड़े बड़े किसान लोग, लेकिन मैक्सिमम किसान लोग इस तरीके का स्प्रेयर यूज करते हैं, ठीक है, और ज्यादा फसल जब बड़ा हो जाता है तो ऐसा ही स्प्रेयर काम आता है, वैसा ही स्प्रेयर में दिक्कत होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो इस स्प्रेयर में अगर आप इस्तेमाल करेंगे एग्री बूस्टर प्लस का, तो आपको कितना करना है, 15 लीटर पानी, मतलब ये जो स्प्रेयर होता है 15 से 16 लीटर का होता है, इस 15-16 लीटर पानी में आपको 25 से 30 ml एग्री बूस्टर प्लस डालना है, ठीक है, 25 से 30 ml एग्री बूस्टर डालना है। और अगर आप इस एग्री बूस्टर का इस्तेमाल खाद के साथ करना चाहते हैं तो आपको 250 से 500 ml, 500 ml अगर आप डाल रहे हैं पहली बार 500 ml इसलिए डालने को कहा जा रहा है क्योंकि आपका मिट्टी पहले से बहुत ज्यादा खराब है, पहले से बहुत ज्यादा आपका मिट्टी को आदत हो चुका है यूरिया डीएपी खाने का, यूरिया डीएपी इस्तेमाल करने का आपको पहले से आदत हो चुका है, तो पहले साल आप 500 ml एक एकड़ में डालेंगे, अगले साल आप इसको और कम कर सकते हैं, आपका मिट्टी का तासीर सुधरेगा तब, अभी को मिट्टी का तासीर, मिट्टी का जो जो तासीर है अभी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक एकड़ में 500 ml डालना है, अभी शुरुआत में पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगले बार इसकी मात्रा भी कम हो जाएगी, आपको कम में अच्छा रिजल्ट आएगा। डीएमपीएल के एग्री बूस्टर प्लस को आप 250-300 ml डालेंगे अगले साल, अगले बार तब भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, कारण क्या है कि अभी मिट्टी खराब है, अभी मिट्टी को आदत हो चुका है ज्यादा खाने का, तो इस हिसाब से अभी आपको इतना इस्तेमाल करना है खाद के साथ, मतलब क्या है, स्प्रेयर में यूज करेंगे 15 लीटर के तो 25 से 30 ml डालना है, ठीक है, और अगर आप खाद में इस्तेमाल करेंगे तो 450-500 ml आप डाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये कोई दवाई नहीं है, ठीक है, ये कोई दवाई नहीं है एग्री बूस्टर प्लस, ये खाना है, ये भोजन है, अगर आपका फसल बीमार हो चुका है तो आपको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बीमारी आ गया है तो बीमारी आ गया तो पहले दवाई डालना है उसके बाद इसको डालना है, ठीक है, बीमार आदमी को अगर आप और ज्यादा खिलाएंगे तो और बीमार पड़ जाएगा, तो ध्यान रखना है बीमारी है तो इसको नहीं डालना, पहले बीमारी ठीक करना है उसके बाद इसको डालना है, ठीक है, और पहले से अगर डाल दिए बीमारी नहीं लगा है तो बीमार होने से बचाने में मदद करेगा एग्री बूस्टर प्लस, ये ध्यान रखिएगा, मतलब ध्यान रखना भैया, बीमारी आने से पहले इलाज कर लो, बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है, आगे चलें, बस 5 मिनट और, अपने पास 5 मिनट से भी कम टाइम है, थोड़ा ध्यान रखते हैं, जब एग्री बूस्टर प्लस का उपयोग करें, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं अपन, जब एग्री बूस्टर प्लस का उपयोग करवाएं तो पहले वर्ष में खाद को, ठीक है, पहले वर्ष ही आपको खाद को सीधा आधा नहीं करवा देना है, कम नहीं करवा देना है, कई लोग एकदम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार मत डाल खाद, इसी बस को डाल दे, ऐसा नहीं करना है, पहले साल जब आप इसका इस्तेमाल कराएंगे किसी भी किसान को, तो आपको 25 से 30% खाद की मात्रा को कम कराना है,
मतलब क्या, अगर वो 1 एकड़ में 1 बोरी 45 किलो अगर डीएपी डाल रहा है, 45 किलो अगर यूरिया डाल रहा है, 50 किलो 100 किलो जैसा भी डाल रहा है, उस जितना डाल रहा है उसमें का 25 से 30% कम कराना है। वो आपको पूछ लेना है कि कितना डाल रहा है, वो जितना डाल रहा होगा उसका 25 से 30% इस साल कम कराना है उसके खाद का, और उसके जगह में इस्तेमाल कराना है एग्री बूस्टर प्लस, ठीक है। दूसरे साल में 40 से 45%, तीसरे साल में 60 से 70% आपको क्या डालना है एग्री बूस्टर प्लस, और 30 से 40% आपको डलवाना है उसका खाद। बाकी हमारा शानदार प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट डलेगा अगले तीसरे साल में, तीसरे अब सीजन में जब भी आएगा तो, ठीक है। इसका बड़ा फायदा होने वाला है आगे चलकर। आगे चलें, और ध्यान रखने वाली बात क्या है, एग्री बूस्टर प्लस पौधों को पोषण देता है, दवाई नहीं है, बीमारी लगने पर दवाई डलवाना है, गलत कमिटमेंट नहीं करना है भैया, इतना पूरे इसी को डाल दो, खाद मत डालो, दुनियादारी ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, बीमारी नहीं आएगा, ये दुनियादारी नहीं। मैंने एक शब्द कहा था, एक लाइन आपको मैंने पहले बता दिया था, मौसम का कोई इलाज नहीं है, मौसम का कोई इलाज नहीं है, मौसम का कोई इलाज नहीं। मौसम अगर ज्यादा खराब है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एग्री बूस्टर प्लस अगर डला है तो मौसम से लड़ने में मदद करता है, इसका आपको ध्यान रखना है। और किसानों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस, सही समय में अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो, इतना जबरदस्त सीजन आया हुआ है, जबरदस्त दौर आ चुका है, ठीक है, ये दौर है जहां से आपके जिंदगी का दौर बदलने वाला है, ये 4 महीना आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चेंज करने वाला है, आपका इनकम, आपका अचीवमेंट, आपका पैसा, आपका हर कुछ बदल जाएगा इस 4 महीनों में। लेकिन ध्यान क्या रखना है, प्रोडक्ट नो डाउट शानदार है, रिजल्ट नो डाउट शानदार है, जबरदस्त तरीके का फायदा होने वाला है हर किसान को जो हमारे एग्री बूस्टर प्लस का यूज करेंगे, हर किसान को बेहतरीन से बेहतरीन फायदा होने वाला है। लेकिन आपको ध्यान रखना है सर्विस का, क्योंकि ये फसल जो होता है, ये जो किसानी होता है, वो समय का खेल रहता है, 100 से 120 दिन का खेल रहता है, और हर किसी स्टेज का टाइम होता है, शुरुआत के पहले स्टेज का भी टाइम, दूसरे स्टेज का टाइम, तीसरे स्टेज का टाइम, हर स्टेज का टाइम होता है। तो टाइम के हिसाब से किसान खाद को भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप समय में उसको प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे तो आपका सारा मेहनत बेकार। इसलिए क्या करना है, कम से कम 3 से 4 एग्री बूस्टर प्लस अपने साथ लेकर चलिएगा, किसानों से मिलने जब भी जाए तो ये साथ में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब कौन किसान डिमांड कर देगा आप नहीं जानते, और एट द प्रेजेंट अगर वो मांग रहा है और आप नहीं दे पाएंगे तो वो दूसरे बार आपसे लेगा भी नहीं, फोन भी नहीं उठाएगा, दूसरे से ले लेगा, कहीं किसी के अंदर में जाकर ले लेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। आगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब भी बेचने जाए तो इस चीजों का ध्यान रखें, जब भी किसी को बताने जाए किसान को, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ मिलना है, डर के साथ नहीं मिलना है, डरना नहीं है किस बात का, डर इतना शानदार चीज देने जा रहे हैं अपन किसान को जिससे उसका कर्जा कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा, जिससे उसका मिट्टी सुधर जाएगा, जिससे उसके फसल में बीमारी कम लगने वाला है, जिससे उसका इतना सारा फायदा होने वाला है यार, ऐसा चीज लेकर जा रहे हैं, और अपन डर के थोड़ी जाएंगे, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस के साथ मिलना है, ठीक है। और शुरुआत जब भी करें, किसी भी किसान से मिले तो सवाल पहले उनसे करें, और क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है किसानी, कौन कौन सा धान लगाते हो या कौन सा धान लगाए हो, क्या क्या खाद डालते हो, ये सारी चीजें आपको पहले से जानकारी ले लें। पिक्चर और वीडियो का उपयोग करें, अभी आपको पिक्चर मिला होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पिक्चर अभी आपको और मिलने वाले हैं, तो पिक्चर दिखा दिखा कर बेचेंगे, और किसी किस किसी का वीडियो आपको मिला है, ठीक है, कहीं से वीडियो मिला है तो उस वीडियो को दिखाकर आप बात कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसानों को, ठीक है। प्रोडक्ट के साथ जरूर मिले, जब भी जाए तो प्रोडक्ट साथ में लेकर जाए, तुरंत तुरंत अगर उसको प्रोडक्ट दोगे, और प्रोडक्ट छूने से जो असर पड़ता है, देखने और छूने से जो असर पड़ता है, वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है किसानों को। डलवाने से पहले ये ध्यान रखना, किसी को भी प्रोडक्ट डलवाएंगे एग्री बूस्टर प्लस, उससे पहले उसके खेत का कंडीशन क्या है, फोटो जरूर खींच लें, वीडियो जरूर बना लें, जिससे आगे चलकर आपको रिजल्ट में चेंजेस जब आएगा तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है देखकर, और लोगों को दिखा भी सकते हो जब बनाए रहोगे। शुरुआत का पहले ये बिफोर है और ये आफ्टर है, ऐसा दिखाने से बहुत फायदा मिलता है, और किसान से केवल उनके ही फायदे के बारे में बात करें, अपने फायदे के बारे में कम भैया, उसके फायदे के बारे में ज्यादा, और किसान लोग का जब फायदा होगा तो पूरे देश का फायदा होगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपको ऐसा सा मिल रहा है, ठीक है, इस पैकेज से अगर आप लेते हैं 3,000 के पैकेज से, तो 600 रुपये रिटेल प्रॉफिट ले सकते हैं, डायरेक्ट इनकम 676 रुपये, टोटल प्रॉफिट 1,276 रुपये, ये होगा आपको बताना है, ठीक है, फार्मर्स को। लेकिन इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, पहले इस्तेमाल कराएंगे, उसके बाद अगर लगेगा कि वो एंड्रॉयड फोन चलाता है वो किसान, ठीक है, लगेगा कि यार ये एजुकेटेड है, इसको थोड़ा नॉलेज है, ये कुछ करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तब इसको बताना है उसको जाकर, ठीक है, नहीं बताना है जब तक उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं दिखेगी। इस पैकेज से शुरुआत करें तो कितना का फायदा है किसान को, 5,900 रुपये का प्रॉफिट है इस पैकेज से शुरुआत करते हैं तो। आगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, अब रहेगा खुशहाल हर किसान, क्योंकि डीएमपी है तो सब आसान। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों।
आप इस नॉलेज को बहुत अच्छे से भुनाइए, जाइए जबरदस्त तरीके से मार्केट में भिड़ जाइए। आप किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना है, कोई भी किसान दिखा तो भैया जाओ एंट्री मारो और घुस जाओ उसके खेत में। एक भी किसान नहीं छूटना चाहिए, एक भी किसान ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसको आप फायदा दिलाना चाहते हो, ठीक है? और किसान का फायदा होगा, किसान जब खुश रहेगा तो पूरा देश खुश रहेगा भैया, ठीक है? और आप इसी देश में रहते हो, देख रहे हो ना महंगाई कितनी बढ़ रही है। कारण क्या है? जो उपज, जैसा उपज होना चाहिए, जैसा उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए, जैसे फसल होना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चैलेंज है किसानों के पास। और उनमें से कुछ चैलेंज तो कम कर पाएंगे, सारे चैलेंज तो हम कम नहीं कर पाएंगे। बेच तो हम नहीं सकते, खरीद तो हम नहीं सकते, लेकिन कुछ जितना अपने से बन पड़े उतना सहयोग तो कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफी है, भिड़ जाइए, जबरदस्त सेशन आ गया है। और कहीं भी कुछ डाउट होता है तो अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट करिए, जबरदस्त जबरदस्त बिजनेस होने वाला है यार इन 4 महीनों में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पर्सनली इस प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि हम मदद करने जा रहे हैं यार हमारे देश का इनडायरेक्टली, ठीक है? हमारे किसान की मदद मतलब हमारे देश की मदद। और अगर आप किसान हैं तो पहले खुद इस्तेमाल करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत मजा आएगा बेचने में। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू सो मच। बाकी आज के सेशन को लेकर आप सब फीडबैक दे सकते हैं, 1-2 मिनट है आपके पास टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच मैडम, बेहतरीन सेशन। प्रीति कोरी मैडम, विजय कुमार साहू जी, थैंक यू सो मच, वेलकम। श्रद्धा मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत ही बेहतरीन सेशन। प्रदीप रजक जी, थैंक यू सो मच। देवी प्रसाद मार्कंडे जी, संध्या साहू मैडम, थैंक यू सो मच, अमेजिंग नॉलेज, क्या बात है। बीके देवांगन सर, अरुण राजवंशी जी, आल क्लियर, थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार जबरदस्त है। ऋतिक साहू जी, ठीक है, ध्यान रखना है और सेशन को बार बार सुनिएगा हमारे प्रोडक्ट में क्या है। जब तक आप नहीं जानोगे, आपके पास भैया हीरा है, हीरा बताने आ जाना आना चाहिए बस। आप हीरा लेकर चल रहे हो, किसान को अगर सही ढंग से बता दोगे ना तो इतना खरीदेंगे, इतना खरीदेंगे, और मजे के बाद खुद खरीदेंगे, ये बड़ी बात नहीं, लोगों को खरीदवाएंगे, ठीक है? लोगों को खरीदवाएंगे, क्योंकि जब वो खुश होता है ना तो लोगों को और बताता है, बिना बताए बिजनेस चलेगा आप लोग को, कितना मजा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इतना जबरदस्त 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 इनकम होने वाला है यार। आप जो सपने देखो ना, 4 महीने पूरा जिंदगी बदलने वाली है, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह नेताम सर, पुष्पम पटेल जी, थैंक यू सो मच। तोमन सिंह ठाकुर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और आज शाम का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। और अगर आपके नेटवर्क में कोई किसान इंसान होगा तो उनको भी अटेंड करवाइएगा ऑनलाइन, अगर वो सुविधा होगा उसके पास। तो आज थोड़ा इसमें और फोकस करेंगे, शाम के सेशन में थोड़ा सी एग्री बूस्टर प्लस के बारे में और अच्छे से जानकारी देंगे। वैसे नो डाउट हमारे सारे प्रोडक्ट जानदार है, जबरदस्त है, लेकिन अभी वर्तमान समय में किसानी आ चुका है, तो उसके साथ और किसी किसान से मिल रहे हो और उसको स्वास्थ्य से समस्या कुछ भी है तो आप अपने दूसरे प्रोडक्ट को भी शेयर कर सकते हैं, अगर वो कस्टमर बन गए हैं तो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। शाम का सेशन बहुत ही शानदार अमेजिंग होने वाला है, शाम का सेशन मेरा ही रहेगा जबरदस्त तरीके से। भीड़ भाड़ के इन्विटेशन करिएगा, जितना एनर्जी आपके अंदर है, जितना एक्साइटमेंट आपके अंदर है, लगा लीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए।